नमस्कार, आपको बता दें कि आपको प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना होगा। अगर आपको स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना होगा। अगर आपको शिक्षित दिल्ली चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना होगा। अगर आपको बिजली एवं पानी की अच्छी सुविधा चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना होगा। अगर आपको महंगाई मुक्त दिल्ली चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना होगा। अगर आपको दिल्ली के हर क्षेत्र में तरक्की चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना पड़ेगा। अगर आपको जनता की सरकार चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना पड़ेगा। अगर आपको अपनी सरकार चाहिए तो आपको डीके चोपड़ा को चुनना पड़ेगा। आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे डीके चोपड़ा। आपसे किए हर वादे को पूरा करेंगे डीके चोपड़ा। दिल्ली में इस बार भ्रष्टाचार मुक्ति सेना के सदस्यों का सहयोग तन मन धन से करेंगे और दिल्ली विश्व का फूलों का शहर बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बनाने और राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग करेंगे डीके चोपड़ा। डीके चोपड़ा इस बार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी को शिकस्त दिलाने में कामयाब रहे तो दिल्ली में चारों तरफ खुशबूदार पेड़ पौधे व सड़क के दोनों तरफ हरियाली लगाई जाएगी। जगह जगह पर पानी के फुव्वारे होंगे। जहां पर बस स्टैंड होगा वहां पर टॉयलेट और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था होगी। कूड़ादान भी होगा। पूरी दिल्ली स्वच्छ और सुंदर होगी। अगर आप चाहते हैं दिल्ली सही मायनों में साफ हो तो एक बार डीके चोपड़ा पर भरोसा करके दिखाए। जैसा आप चाहते हैं दिल्ली वैसी ही दिखेगी। आगे क्या कहा भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके चोपड़ा जी ने, आप खुद ही सुनिए। चोपड़ा साहब, आज जो आपने पार्षद कैसे बने इसके लिए जो मीटिंग बुलाई, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या रहा? मुख्य एजेंडा यही है कि देश में आज 70-75 साल होने के बाद भी हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। हम लोगों को वैसे फैसिलिटी नहीं मिली जो हमारे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि हम वो दोबारा एक सेना बनाएं और देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उन सबको निकाला जाए। क्योंकि देश में टैक्स लगाया जाता है, आपको पता है टैक्स भी यहाँ 300% लग रहा है टैक्स। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता जो भी लोग सत्ता में ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। 130 करोड़ के अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं, इस बार कह दिया मैं 130 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तो जो आदमी अनफिट है उसको हमने प्रधानमंत्री बना रखा है, जो भी हम में से सक्षम है। और ये देश की बात कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनल पार्टी की कोई बात करता, कोई अपनी उसकी बात करता है, हमें नहीं समझ में आ रही ये देश क्या है। जब 130 करोड़ के प्रधानमंत्री, 130 करोड़ को आज तक वैक्सीन क्यों नहीं लगी? 8 महीने हो गए आपको वैक्सीन बनाए हुए, क्यों नहीं लगी आज तक? आपका ये जब आदमी है 130 करोड़, तो हाथ भी आपके पास 270 करोड़ है। 270 करोड़ जो लोग हाथ है हमारे, उनसे वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? रोज ऐड निकालते हैं, उनसे कहते हैं जी 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। और 1 लाख लोगों से वैक्सीन लगवा दो, अगर उससे कोई काम नहीं आपको देने के लिए उनको, तब तक तो रखो उनको टेम्परेरी रख लो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल हम जीरो कर देंगे। दुनिया में सबसे अच्छा देश है न्यूजीलैंड, हम न्यूजीलैंड के आगे इंडिया को दिखाएंगे। और सारे लोग जितने भी हमारे हैं, सारे देशभक्ति की बात करेंगे। और सबसे हमारा अनुरोध है कि सारे लोग बिल काटें, बिल लें और बिल दें। जो आदमी बिल नहीं काटे उसकी दुकान को बंद करवाएं। पुलिस हेल्प करती है, अगर आप फोन करेंगे कि इसके बाद बिल बुक नहीं है तो उसकी दुकान बंद हो जाती है। आप, मैंने कईयों की दुकान बंद कराई है, मेरा रोज का यही काम है। मैंने हजारों काम कराए हैं, जो भी पार्षद बने हैं अगर वो चाहेंगे तो मैं उन सबको फोटोएं दे दूंगा कि ये काम मैंने कराए। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है, 1-1 करोड़ रुपये मोदी और केजरीवाल दोनों जो 60-70 लोग दिल्ली में मरे हैं उन सबको दें। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग 70 मर गए, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आदमी नहीं मरा। बताइए कितना बड़ा क्षमता है आप संदेश देश को, कितनी डिस्पैरिटी है। विश्व चाहिए प्राइवेट ऑफिसर, क्योंकि वो देश के नागरिक लिए जो वहाँ इलाज करा रहे हैं। आप बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं, किसका देश आजाद हुआ? जो आता पैसे खर्च करके आपको गरीब आदमी को दे दी और लूट लेता, फिर उसके परमिट मिल जाता है, लाखों हजारों करोड़ का परमिट मिल जाता है। खर्च करते हैं 30-40 हजार करोड़ पे और लाखों हजार करोड़ का परमिट लेके देश में घूम रहे हैं। तो हमारा जो परिषद बनाने का मकसद है, हम में से कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ना किसी भ्रष्टाचारी का साथ देगा। सारे लोग आटिया लगा के पता करेंगे कि अगर पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम MCD में हुए कि नहीं हुए, उनकी इंक्वायरी की जाएगी। उन सालों के खिलाफ CBI इंक्वायरी कराई जाएगी और सबको अरेस्ट कराया जाएगा जो भी MCD के खिलाफ में भ्रष्टाचार पाया जाएगा। अभी हमने मनोज मलावत नाम का हमारा एरिया का काउंसलर है, 10 लाख रुपये रिश्वत देता पकड़ा गया था, BJP का है, CBI उसको उठा के देगी। मनकेश जी एक तो सवाल, सारे लोगों को उठवा दिया जाएगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।